गाइस, मैं हूं समा खान, आपकी पंचायती समा। फिर डॉक्टर ने बोला कि 10 मार्च के बाद हाईली चांसेस है कि नॉर्मल हो जाए, तो वो क्रिटिकल है सिचुएशन बिकॉज मेरा बीपी लो है, तो आपको 10 से पहले डेट डिसाइड करनी है। तो 6 तारीख की रात से कुछ ऐसे दिन लग रहे थे जिसमें अगर बच्चा पैदा हो, पंडितों में इन्होंने देखे थे कि पापा अपने बच्चे को सवा महीने तक नहीं देख सकते। तो सुनील ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो पहले ही नजर देखना चाहता हूँ उसको। तो फिर हमने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने बोला 3 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में कोई भी आप डेट रख लो। फिर मम्मी पापा ने दिखाया, डेट दिखाई, मुस्लिम लोगों में भी और हिंदू लोगों में भी, दोनों तरफ डेट दिखाई गई और फाइनली 4 मार्च निकली दोनों तरफ से। तो हमने 4 तारीख डिसाइड की। सुनील ने बोला कि तुम 2 तारीख को पहुंचो कानपुर, और मैं भी फ्लाइट से 2 तारीख को ही पहुंचूंगा। तो मेरा फ्रेंड है हिमांशु, उसकी कार में मैं और मेरी पूरी फैमिली, हम लोग कानपुर पहुंचे और सुनील वहां पे ही थे, फ्लाइट उनकी पहले आ चुकी थी। हम लोग सब मिले आपस में, हिमांशु निकल गया। 3 तारीख को मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ, 3 मार्च को 2020। ऑपरेशन से पहले बच्चे की पोजीशन जानने के लिए वो अल्ट्रासाउंड होता है, वो अल्ट्रासाउंड हमने कराया। उसकी फुटेज भी शायद आपने देखी होगी हमारे ब्लॉग में, या आगे हम आपको दिखा देंगे। उसके बाद सुबह सुबह मैंने ये अल्ट्रासाउंड कराया। फिर शाम को हम कानपुर के मोती झील गए, अपना प्री बेबी वेडिंग शूट। फिर शाम को ही हम कानपुर के मोती झील गए प्री बेबी शूट करने, नीवा के आने से पहले का शूट करने। हमने प्रेगनेंसी वाला अपना शूट कराया सुनील और मैंने, और काफी मजे किए। और रात भर में थोड़ी सी टेंशन में थी, थोड़ी हेडेक में थी। फिर उसके बाद मेरा बीपी, शुगर और सारी चीजें नापी गई, तो उसमें से मेरा बीपी लो आया और थोड़ा सा शुगर लो आया। तो मुझे थोड़ी सी ड्रिप लगी ताकि ऑपरेशन के टाइम कोई मुसीबत ना आए। तो ये सारी चीजें हुई। फिर 12:30 तकरीबन, 12:30 पे, 12:40 पे मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, आई थिंक 12:30 पे। और वो 8 से 10 मिनट का प्रोसेस होगा आई थिंक ऑपरेशन का। फिर जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई और मुझे वो इंजेक्शन देना था उनको, मैं इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा नहीं डरती हूँ बिकॉज मैंने इंजेक्शन भी लिए हुए थे 9 महीनों में भी काफ़ी, और पहले भी मैं ले चुकी हूँ। तो मुझे डर नहीं लगता, ना दवाइयों से ना इंजेक्शन से डर नहीं लगता, तो मैं उतनी ज़्यादा डरी हुई नहीं थी। और बड़े पापा साथ में थे डॉक्टर की कॉस्ट्यूम में, तो मुझे लगा कि साथ में घर वाले हैं, तो बहुत एक सहारा मिल जाता जब आपकी फैमिली का कोई हो। और बड़े पापा लाइक माई फादर, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वो जब सामने थे, मुझे हिम्मत दे रहा था, कुछ नहीं होगा रे बेटे, तुम कर लोगी। और उनके बात करने का ऐसी तरीका है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश कर देते हैं लोगों को, और बिल्कुल टेंशन नहीं होती उनके साथ। अगर आप 5 मिनट बात करो, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। तो जब उन्होंने बोला बेटा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आराम से, इंजेक्शन लगाने वाला आया जो रीढ़ की हड्डी में लगता है। तो उन लोगों ने मुझे वहाँ का जो भी ड्रेसअप था वो पहनाया और मुझे झुकने के लिए कहा। मैं आगे की तरफ बेंड हुई, वो इंजेक्शन लगा। मुझे थोड़ा दर्द तो हुआ, फील हुआ, बट नीवा के लिए सारी चीज़ें बर्दाश्त थी। फिर लिटा दिया और मैं धीरे धीरे धीरे, मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपनी चीज़ें फील नहीं कर पा रही हूँ नीचे के, अपने पैर वैर जो भी है। तो मैं कोशिश कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पैर का अंगूठा हिल रहा है। तो कुछ भी ये लोग स्प्रिट या पेट पे कुछ लगा रहे थे, हल्का हल्का कुछ तो महसूस हो रहा था। तो मैंने इन लोगों से बोला प्लीज प्लीज अभी मत काटिएगा, मेरे पैर का अंगूठा हिल रहा है, मुझे प्रॉपर लग नहीं रहा है कि मुझे एनेस्थीसिया दिया गया और चीजें मुझे महसूस हो रही हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम नहीं कर रहे हैं अभी। जबकि वो लोग कर रहे थे अपना प्रोसेस और चल रहा था, वो कट लग चुका था, बट नीवा बाहर नहीं आ रही थी। नीवा यहाँ पे चढ़ गई थी मेरे चेस्ट के पास, मतलब 7 मंथ से वो प्रॉपर नीचे थी, जितने भी अल्ट्रासाउंड हुए बहुत नीचे आ चुकी थी नीवा। और अभी लास्ट मोमेंट में नीवा बिल्कुल चेस्ट के पास चढ़ गई थी और वो आई नहीं रही नीचे। तो फिर 2 डॉक्टर्स को, जूनियर डॉक्टर्स को मेरे इधर इधर आना पड़ा और ऐसे धक्का लगा रहे थे वो। और वो जो कह सकते हैं आप सुन हुआ था, वो नीचे का हिस्सा हुआ था, यहाँ पे तो मुझे फील हो रहा था वो लोग ऐसे धमका रहे थे। मैं उनसे कह रही हूँ आराम से करो, मेरी पसलियाँ टूट जाएंगी। उतना दर्द नहीं हो रहा था बट वो प्रेशर महसूस हो रहा था। मैं उनसे कह रही हूँ आराम से करो, मेरी पसलियाँ टूट जाएंगी। तो कह रहे अरे अरे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। वो लोग धक्का दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं आपका बच्चा आने ही नहीं चाह रहा है क्या बाहर। तो फिर उन्होंने धक्का दिया, देन नीवा बाहर आई। मुझे कुछ तो रिलीफ फील हुआ, हल्की सी आवाज रोने की आई, बहुत माइनर सी। जिनका ऑपरेशन हुआ होगा वो ये शायद समझ सकते हैं। और मैं बहुत नशे में थी, मतलब होश में थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर आए मेरे पास जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था, बोले क्या चाहिए तुम्हें। मैंने कहा लड़की चाहिए लड़की चाहिए। तो बोले अच्छा जो तुम्हें चाहिए वही हुआ है। मैंने कहा नहीं 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 आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं ना, सबको पता है कि मुझे लड़की चाहिए और मुझे लग रहा है लड़का हो गया, तो आप लोग मुझे मायूस नहीं देखना चाहते हैं इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि मैं अभी होश में नहीं हूँ प्रॉपर। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं। मैंने कहा प्लीज मुझे सच बता दीजिए, अगर लड़का है तो मैं एक गिफ्ट दूंगी आप लोगों को, और अगर लड़की है तो मैं 2-2 गिफ्ट दूंगी। तो बोले ठीक है आप लोग 2-2 गिफ्ट तैयार कर लीजिए। मुझे तब भी बिलीव नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था कि बिकॉज मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, एनेस्थीसिया दिया है, तो वो सच नहीं बता रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा था अंदर से, मुझे नहीं लग रहा था नीवा हुई है। बड़े पापा पास में आए मेरे, तो मैंने कहा बड़े पापा क्या हुआ? कह रहे टेंशन मत लो बेटा, आराम करो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, क्योंकि तुम्हारे सर में दर्द होगा, सो जाओ, बातें मत करो बातें मत करो। और मुझे नहीं समझ में आता वो ये क्यों कह रहे हैं, मुझे बाद में वो चीज समझ में आई, मैं आपको बताती हूँ। और मैं ना सोने को तैयार, मैंने कहा मैं तो जब तक अपना बच्चा देख नहीं लूंगी मैं तो नहीं सोने वाली। फिर जो भी हुआ टाँगे वाके लगते रहे और चीजें हुई, 10 मिनट तक मैं वहीं रही और नीवा जा चुकी थी बाहर फ्रेश अप होके। बड़े पापा उसे ले गए, उसका फुटेज होगा तो मैं डालूंगी। और फिर जब मुझे तकरीबन 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद शिफ्ट किया गया मेरे प्राइवेट रूम में, उसके बाद उन लोगों ने मुझे दिखाया, फिर बच्चा ले गया और सब मैं सामने देख रही हूँ बच्चे में बिजी है। मैं कह रही हूँ अरे मेरे पास तो कोई आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं सोने को तैयार थी, मुझे नीवा को देखना था, मुझे इन लोग के एक्सप्रेशन देखने थे, मुझे बहुत सारे, मतलब मैं बहुत ज्यादा टॉक्टिव लड़की हूँ ना, तो मेरा मन बोल रहा था बहुत ज्यादा, मेरी जबान लड़क रही थी पर मेरे मन में बातें चल रही थी, मैं इतनी ज्यादा टॉक्टिव हूँ। और सच बता रही हूँ आपको, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, ऑपरेशन हो, कुछ भी हो, जब भी बच्चा होता है ना सारा खानदान बच्चे के पास होता है, माँ के पास कोई दिखाई नहीं देता है। उन लोगों को ऐसा लगता है माँ लेटी रहे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चिल्ला भी नहीं पा रही बिकॉज वॉल्यूम स्लो है मेरा, चीजें। अब उसके 10-15 मिनट बाद जो मेरे सर में दर्द हुआ है, बिकॉज मैं ऑपरेशन के बाद सोई नहीं, मैंने आंखें नहीं बंद की, मैं पूरा टाइम बात कर रही थी, पूरा टाइम आगे खुली थी, वो सर दर्द मतलब आज तक नहीं हुआ दोबारा, टचवुड, और हो भी ना, मतलब वो इतना खतरनाक लग रहा था सर दर्द मेरी जान ले लेगा, इतना ज्यादा था कि मुझे इंजेक्शन देना पड़ा भाई साहब। मतलब बड़े पापा के कह रहे हैं तभी बेटा मैं कह रहा था आंखें बंद करो, सो जाओ, आराम करो, पर तुम सुन नहीं रही थी, तुम 4 घंटों से जगे ही जा रही हो, सारी चीजें देखना है तुम्हें। देन उसके बाद सारे लोग बहुत खुश थे। धीरे 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 3 दिन हो गए हॉस्पिटल में, मम्मी और सुनील रुकते थे मेरे पास, वही लोग संभाल रहे थे नीवा को। और फीडिंग करना तभी मैंने स्टार्ट नहीं कराया था बिकॉज ऑपरेशन से हुआ था, तो वो 3-4 दिन में बेड रेस्ट पे ही थी। 4th डे वो लोग लेके आए थे फीडिंग के लिए नीवा को, और 4th डे ही उन्होंने बोला मुझे चलने के लिए, बाथरूम जाओ खुद से, और वो जो यूरिन बैग लगा तो वो हटाया। आई कांट एक्सप्रेस गाइस, जब मैंने वो फ्लोर पे अपना फर्स्ट स्टेप रखा था मैं बैठ गई, मैंने ऐसे कदम रखा, खड़ी हुई और मैं दोबारा बैठ गई। मैंने कहा नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता दोबारा, यूरिन बैग लगा तो मैं नहीं जा सकती बाथरूम। सुनील कह रहे हैं, बड़े पापा सब लोग कह रहे नहीं बेटा जाना तो पड़ेगा, घर भी जाना है ना, डिस्चार्ज होना है शाम को, घर भी जाना है, 4 डे हो गया। अरे भाई साहब वो दर्द मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, मुझे नहीं पता, नॉर्मल का तो मुझे आइडिया नहीं कि नॉर्मल में भी वो चीज होती है कि नहीं, पर ऑपरेशन में अरे मुझे लगे कि जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वो कट के हिस्सा गिर जाएगा या मैं अभी यहीं पे गिर जाऊंगी, मैं चले ही नहीं जा रहे मेरे से। फिर मुझे नर्स ने, सुनील ने पकड़ा, इतने स्टेप मैंने बढ़ाए होंगे, घिसल के, मतलब बेबी स्टेप भी नहीं कह सकते हैं उसको, नैनो स्टेप कह सकते हैं। ऐसे 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 करके मैं, बाथरूम मेरा कम से कम 5 कदम दूर था और वहां तक पहुंचने में मैंने 15 मिनट लगाए। और जब मैं बैठी हूँ, वो इंडियन नहीं था, वेस्टर्न था, और जब मैं बैठी हूँ मतलब वो दर्द तब मुझे महसूस हुआ कि माँ बनना किसे कहते हैं। वो सारे दर्द, बिकॉज ऑपरेशन में तो आपको दर्द महसूस नहीं हुआ, आप सुनते, तब मुझे महसूस हुआ कि माँ बनना किसे कहते हैं और ये डिफिकल्टीज होती हैं। और मैं नॉर्मल का तो अंदाजा ही नहीं लगा सकती, क्योंकि नॉर्मल में तो इससे 100 गुना दर्द होता होगा जब बच्चा बाहर आता है, मैं उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकती गाइस। पर जो मैंने दर्द झेला, मैं बैठी, मैंने बाथरूम नहीं हो रहा था मेरे से, मैं कैसे बताऊं। और आपको 24 घंटे वो जब ऑपरेशन होता है तो खाना पानी भी नहीं देते हैं, सिर्फ आई थिंक पानी बहुत थोड़ा सा देते हैं, खाना तो कुछ नहीं होता, सिर्फ आप लिक्विड पे होते हो। तो उसके बाद मैं डिस्चार्ज हुई, बड़े पापा के घर गई, और वो मेरी ड्रेसिंग जब चेंज होती थी, मतलब सच में माँ बनना, चाहे आप ऑपरेशन कराओ चाहे आप नॉर्मल करो, माँ बनना सच में बिल्कुल आसान नहीं है। मतलब आप सभी को अपनी माँ की, अपने बाप की बहुत इज्जत करना चाहिए, स्पेशली माँ का दिल तो कभी नहीं दुखाना चाहिए। जिस दर्द और पीड़ा से वो गुजरती है आपको जन्म देते टाइम, नॉर्मल या ऑपरेशन, और उसके बाद जो वो दर्द वो झेलती है, ड्रेसिंग, इंजेक्शंस, चलना, वॉशरूम जाना, नॉर्मल काम, उसकी लाइफ पहले जैसी रह ही नहीं जाती है। आप भूल जाओ। मुझे नहीं लगा था, मुझे किसी ने बताया भी नहीं था कि मैं पहले जैसी कभी नहीं हो पाऊंगी, पहले जैसी लाइफ हो ही नहीं पाएगी। मतलब आप तेज उचक नहीं सकते, चल नहीं सकते। आप वो महीना जो था मैं बता नहीं सकती, मैंने एक्सपीरियंस किया वो, और वो दर्द और तकलीफ ही आपको आपके बच्चे के भी शायद बहुत करीब लाता है कि आपने किस दर्द और तकलीफों से अपने बच्चे को अपने पैदा किया। तो आई होप आप सबको मेरी ये जर्नी सुनने में अच्छी लगी होगी। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बस जब भी मन करता है मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड आपसे चीजें शेयर कर लेती हूँ, कभी मेरी एक्टिंग को लेके, कभी नीवा को लेके, ताकि आपको भी पता चल सके कि एक एज अ मुस्लिम लड़की होना समटाइम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लोगों के ताने बहुत परेशान कर देते हैं।